कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। सभी लोग स्वस्थ रहें इसलिए वर्दी में लोग दिन रात सड़कों पर मुस्तैद हैं। लेकिन जनपद के थाना इज्जतनगर क्षेत्र में कुछ लोग बाहर ताश खेल रहे थे, जिन्हें पुलिस ने घरों में रहने की नसीहत दी। खुराफातियों को नसीहत इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। इस हमले में क्षेत्राधिकारी तृतीया IPS अभिषेक वर्मा सहित कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। लॉकडाउन फॉलो करने का निर्देश देना गुजरा नागवार। ये घटना शहर के थाना इज्जत नगर इलाके के कर्मपुर चौधरी में हुई, जहां कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे और ताश खेल रहे थे और नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया, कुछ लोगों ने पुलिस दल पर उस वक्त हमला कर दिया जब वे लॉकडाउन का पालन करने का निर्देश दे रहे थे। इस हमले में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। ज्ञात रहे कि जोन में लॉकडाउन या फिर कोरोना जांच के लिए गई टीम पर हमले। जी लड़ना ले कौन है पीछे? राज कीजिए आओ, राज कीजिए आओ। हमें जानकारी है तो हम बताएंगे। हमने तो बेहोशी के हालत में देखा था उसे। अम्मा क्या नाम है आपका? नन्नू। ये आपका कौन है? लड़का। बेटा है? हाँ। क्या हुआ है इस वक्त? इस वक्त खेत पर से आ रहा तो ये चीता वाले गए, इनने मारा। कहाँ मारा है? रास्ते में मारा। विवाद हो चुका चौकी इंचार्ज से आपका? हमारा सर कोई विवाद नहीं हुआ था चौकी इंचार्ज महोदय से। काफी बवाल हो गया। हमारा तो सिर्फ ये विवाद था कि हम गरीब की मदद हो जाए, लॉकडाउन गरीब की मदद हो जाए, बस ये विवाद रहता है हमारा, कोई और विवाद नहीं। फिर मैंने कोतवाल महोदय से शिकायत करी। कोतवाल महोदय ने किसी थर्ड सब इंस्पेक्टर साहब को वहाँ भेजा। बताया तो अब भेजने के बाद में चोट लगी है। फिर उन्होंने आपस में समझौता हो गया। उसी चीज के खिसियाए बैठे, इसी बात को लेके खिसियाए बैठे। फिर उन्होंने गांव में आके कहा कि पुलिस हमारे मतलब हम तो नहीं आते यहाँ पे, वो प्रधान ने हमारे डंडा कर रखा है। हमें लगभग कितने महीने पुरानी बात? 3 महीने पहले। 3 महीने क्या मामला? मोबाइल बंद कर लिए भैया। ये क्या मामला है? पुलिस पार्टी पे क्या हमला किया है इन्होंने? और क्या वो पुलिस पार्टी जो लॉकडाउन का सम्मान कराने के लिए, लॉकडाउन लागू कराने के लिए गई थी? आज कर्मापुर के कुछ लोगों ने, जिनकी संख्या लगभग 200-250 होगी, ये हमारे बैरियवन चौकी पे जाके गए, पुलिस वालों से बदतमीजी की। मामला ऐसा शुरू हुआ जब हमारी लॉकडाउन को इन्फोर्स कराने के लिए हमारी चीता मोबाइल जो है इस गांव में आई थी। गांव में आने के बाद में लोगों को सख्ती से कहते कि भैया अपने घर जाए, कोई लॉकडाउन का उल्लंघन न करे। तो दो पुलिसकर्मियों को देखकर गांव वालों ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस वाले चौकी पर चले गए, फिर पुलिस गाँव वालों ने पूरी भीड़ इकट्ठा करके चौकी पर गए, फिर चौकी पर उन्होंने काफ़ी तांडव किया। फिर उसके बाद में हमें ये उसको रिटेलिएट करने के लिए हमें पुलिस फोर्स बुला के गांव में जाए। गांव पे जब गए हम, तभी लोगों ने हम पे हमला करने की कोशिश की। उसके बाद में हम लोगों ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, उनके ऊपर पुलिस के काम में बाधा डालने और धारा 144 का उल्लंघन और कोरोना एपिडेमी एक्ट और IPC के अन्य सेक्शन के तहत मुकदमा पंजीकृत करके जितने लोग इसमें हैं, हमारे पास वीडियो भी हैं, साक्ष्य भी हैं, सबको चिन्हित करके हम जेल भेजने की कोशिश करेंगे। इसमें IPS भी घायल हुए हैं। IPS भी घायल, साथ में इन्होंने चौकी जलाने की भी उस समय धमकियां दे रहे थे। चौकी जलाने की भी धमकी दे रहे थे। हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, जो आइडेंटिफाई हो गए उनको हम गिरफ्तार कर लिए हैं और उनको कतई भी किसी भी दिशा में, किसी भी व्यक्ति को जो असामाजिक तत्व है उनको किसी भी दिशा में छूट नहीं दी जाएगी कि वो किसी भी पुलिस पार्टी पे, किसी भी चौकी पे हमला करने की हिम्मत करें। इसमें हम एक नज़ीर पेश करेंगे जिनमें आने वाले भविष्य में कोई भी व्यक्ति पुलिस पार्टी या चौकी पे हमला करने की अपने सपने में भी ना सोचे। इसमें पुलिस बढ़ा दी गई है यहाँ पर? बिल्कुल पुलिस बढ़ा दी गई, सख्ती कर दी गई। जो भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसके साथ हम बिल्कुल सख्ती से निपटेंगे, पूरी अपनी ताकत लगा देंगे।
एक ये देखा गया कि कुछ लोगों ने पुलिस पार्टी पे गांव के अंदर भी हमला किया, जिसके बाद बल प्रयोग करना पड़ा क्योंकि पुलिस पे भी हमला किया था। हमारे ऊपर हमला कल किया गया, हमने उस हमले के जवाब में हमें अपनी सेफ्टी के लिए हमने लोगों को हिरासत में लिया है और हम कोशिश करेंगे कि उन्हें हम सख्त से सख्त सजा दिलाएं। आईपी सब शेख वर्मा जी के हाथ में चोट आई है क्या? उन्हें हाथ में भी चोट लगी है, हाथ में भी चोट लगी है, पैर में भी चोट लगी है। उनके साथ उनके अलावा और भी हमारे साथ पुलिसकर्मी हैं जो भाग दौड़ में और जो जिनके इनके ऊपर जो हमले के दौरान जो लोगों ने हमला किया उससे लोग घायल हुए हैं, उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेजा जाएगा। अभी संख्या चिन्हित नहीं है लेकिन हमारे पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए, जो कि बेहद शर्मनाक बात है। क्या ये मामला है? बताया जा रहा है कि जमात के कुछ लोग, उनकी सर्च में भी पुलिस आई हुई थी तभी लोगों ने हमला किया है। अब ये हम वेरिफिकेशन करने के लिए सब लोग लगे हुए हैं कि कहीं कोई बाहर से व्यक्ति तो आया नहीं हुआ, कहीं कोई संक्रमित है, तो अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसको आइसोलेट किया जाए ताकि उनके परिवार वालों को सुरक्षित रखा जाए। इस दृष्टिकोण से और लॉकडाउन को इन्फोर्स कराने के लिए भी पुलिस हर जगह पर घूम रही है ताकि हमें पता लगा सके कि कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो कहीं दिल्ली से, नोएडा से, गाजियाबाद से कहीं या बाहर से आया हुआ हो। अगर वो संक्रमित है या उसके अगर कुछ लक्षण पाए जाते हैं तो उसे हम आइसोलेशन वार्ड में वहाँ भर्ती कर इस काम को इन्फोर्स कराने के लिए जनहित में पुलिस का जो काम है उसके लिए कुछ